Students of the class 9, you are advised to come on page number 66. Now it is the turn of the question number 21. The US Army dropped the first atomic bomb in 1945 on which city? अमेरिका की सेना ने 1945 पे किस शहर पे बम गिराया? द यू एस आर्मी ड्रॉप द फर्स्ट एटॉमिक बम ऑन द जैपनीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा ऑन 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे पहला बम गिराया अमेरिका की सेना ने। ऑन हूज थिंकिंग वर हिटलर्स आइडियाज ऑफ रेशियलिज्म बेस्ड? ऑन हूज थिंकिंग यानी किसकी सोच पर हिटलर के जो आइडियाज थे आधारित थे। हिटलर्स रेशियलिज्म हिटलर का जो जातिवाद था वॉज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ द साइंटिस्ट एंड द फिलोसफर्स। उसका उसकी जो भी थ्योरी थी वो साइंटिस्ट और फिलोसफर की थ्योरी पे बेस्ड थी, लाइक जैसे कि चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर, इस इनको वो आदर्श मानता था। व्हाट वाज द नाजी आर्गुमेंट फॉर डियर इंपीरियलिस्ट एम्बिशस? अपने इंपेरियलिस्ट मानी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के लिए नाजी लोगों का तर्क क्या था? नाजी आर्गुमेंट फॉर देयर इंपेरियलिस्ट एम्बिशन, एम्बिशन माने होता है महत्वाकांक्षा, वॉज दैट स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव, जो मजबूत जाति होगी, सबसे मजबूत जात होगी वही सर्वाइव करी, एंड वीक पेरिश, और जो कमज़ोर हो और जो वीक होगा वो पेरिश मारे बर्बाद हो जाएगा, यही उनका सिद्धांत है। स्ट्रांगेस्ट रेश यानी जो मजबूत जाति होगी, सबसे मजबूत जाति वो बचेगी और कमजोर जाति समाप्त होगा। हु आर कंसीडर्ड एज द डिजायरेबल्स अंडर नाजी रूल? नाजी रूल के तहत किनको डिजायरेबल्स माना जाता? नेडोट नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वर कंसीडर्ड एज दी, ये याद कर लेना है, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस इतना याद कर, वो कंसीडर्ड एज दी डिजायरेबल्स, इनको डिजायरेबल वांछनीय माना जाता था। हु वर दी वर्स्ट सफरर्स इन नाजी जर्मनी? नाजी जर्मनी में सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाले लोग कौन थे? द ज्यूस रिमेंट द वर्स्ट, केवल इतना याद करना, ज्यूस यानी यहूदी जो थे सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाले लोग थे। व्हाट वॉज द नेम गिवन टू द सेपरेटली मार्क्ड एरियाज वेयर द ज्यूस लिव्ड, जहाँ पे ज्यूस यानी यहूदी लोग रहते थे उस सेपरेट एरिया का नेम क्या था? द सेपरेटली मार्क्ड एरियाज वर वेयर द ज्यूस लिव्ड वर कॉल्ड घेटोस, केवल इतना याद करना, घेटोस GHETOS, घेटोस। विच कंट्री बिकेम अ लेबोरेटरी फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द लेबेनशरनम? लेबेनशरनम कॉन्सेप्ट के लिए कौन सा देश लेबोरेटरी का काम करने लगा? तो पोलैंड, केवल इतना याद करना, पोलैंड बिकेम द लेबोरेटरी फॉर द एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ द लेबरसम, लेबरसम कॉन्सेप्ट के लिए पोलैंड लेबोरेटरी का काम करता। व्हाट इज अ व्हाट्स अ सिनेगॉग? सिनेगॉग क्या है? अ सिनेगॉग इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, ये पूजा का स्थान है फॉर द पीपल ऑफ द ज्यूइश फेथ, यहूदियों का पूजा का स्थान सिनेगॉग कहते थे। विच स्पोर्ट डिड हिटलर प्रमोट? और हिटलर ने किस गेम को प्रमोट किया? हिटलर प्रमोटेड बॉक्सिंग, इसने बॉक्सिंग को प्रमोट किया, बिकॉज ही बिलीव, उसका ऐसा विश्वास था दैट इट वुड मेक चिल्ड्रन आयरन हार्टेड, इससे बच्चे आयरन हार्टेड बन जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे और मैस्कुलिन बन जाएंगे, इंसानी जैसी ताकत उनके अंदर आ जाएगी। व्हाट वॉज द नेम ऑफ द नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन? नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या था? विच कंसिस्टेड ऑफ ऑल द जर्मन बॉयज, जिसमें 14 से 18 साल तक के जर्मनी के लड़के थे। द यूथ लीग ऑफ द नाजी वॉज फाउंडेड इन, और इसकी स्थापना 1922 में हुई थी, और इसके 4 साल बाद इट वॉज रीनेम, इसका नेम दे दिया हिटलर यूथ, हिटलर यूथ एंड कंसिस्ट फॉर, इसमें 14 से 18 साल तक के बच्चे शामिल हुआ करते। इट इज़ ऑल अबाउट।